14 को स्टडी कर रहे थे जब ये ब्रेक आया कोरोना की वजह से, और ग्लोबल लीगल सिस्टम का में तकसीम है। एक नदीम साहब आपको पढ़ाते हैं उसका पार्ट ए, और पार्ट बी जो चैप्टर 10 से शुरू होता है उसको हम कर रहे थे। 14 चैप्टर में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी बात की गई थी, और उसका इब्तदाई पार्ट हम स्टडी कर चुके थे, प्रेसिडेंट के रिमूवल पर पहुंचे थे। लेकिन मैं थोड़ा आपको याद दिलाने के लिए, ताकि आप थोड़े रस्टी हो गए होंगे घर बैठे बैठे, पहली बात तो ये है कि ये आपको कम्युनिकेटेड है कि ये आप ऑनलाइन आपका एग्जामिनेशन होगा अगस्त के फर्स्ट वीक में, और इसका सिलेबस भी ऑनलाइन ही हम कंप्लीट करेंगे। अगर अल्लाह ताला ने हालात को बेहतर कर दिया और अदारे खुल गए, तो फिर यकीनन हम क्लासरूम में भी ये सारा सिलसिला शुरू कर सकेंगे। लेकिन तब तक लेट अस होप फॉर द बेटर, तब तक हम इसी मीडियम को यूज करते हैं। इसके लिए टेक्स्ट बुक को आपने जरूर रीड करना है, बार बार रीड करना है, क्योंकि MCQs के जरिए जो इम्तहान आपका कंडक्ट किया जाएगा उसमें आपकी स्टडी एक्सटेंसिव होनी चाहिए, सिलेक्टिव स्टडी से यह काम नहीं चलेगा। तो हम पहले ही, आपको याद है कि काफी एक्सटेंसिवली इन चीजों को रीड करके आगे बढ़ रहे थे, अभी आपने इनको रीड करना है। थोड़ा सा फेडरेशन, यूनिटरी और कन्फेडरेशन, ये स्टेट्स की जो सिचुएशन है जिसको हम पहले कर चुके थे, लेकिन आपकी याद दहानी के लिए और आपका फोकस जो है उसको इन्हांस करने के लिए, ताकि आपकी तवज्जो उस तरफ आ सके, मैं थोड़ा उसका जिक्र करता हूँ। ये तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान जो है ये फेडरल स्टेट है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, Article 1 में ही इसका जिक्र है। और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो है ये एक फेडरल स्टेट है, वफाकी हुकूमत है, वफाकी रियासत है, ठीक है। तो वफाक या फेडरेशन या फेडरलिज्म क्या होता है, इसमें यकीनन मेंबर स्टेट्स होती हैं, यूनिट्स होते हैं जिनको प्रोविंसेस भी कह लेते हैं कुछ कंट्रीज में, स्टेट्स कहते हैं जिस तरह अमेरिका में, और अमेरिका का नाम ही यूनाइटेड स्टेट्स है, तो वो पार्ट्स होते हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, उस रियासत का हिस्सा होते हैं। और आईन के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पावर जो है वो प्रोविंसेस के दरमियान और मरकज के दरमियान, सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उनके दरमियान तकसीम शुदा होती है, यानी सॉवरन पावर्स को डिवाइड कर दिया जाता है प्रोविंसेस के दरमियान और मरकज के दरमियान। लेकिन इंटरनेशनली जो कंट्री को रिप्रेजेंट करता है वो सेंटर रिप्रेजेंट करता है, उसके यूनिट्स रिप्रेजेंट नहीं करते। इसके क्वाइट अपोजिट कॉन्फेडरेशन में मुख्तलिफ, उसमें भी मुख्तलिफ स्टेट्स जो हैं वो यूनियन कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, लेकिन उसमें स्टेट्स की इंडिपेंडेंट हैसियत जो है वो मौजूद होती है, और उन्होंने कुछ सब्जेक्ट मैटर में यूनियन कॉन्स्टिट्यूट की हुई होती है, जैसे फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, कॉमर्स वगैरह, ये कॉमन रखते हुए बकाया रियासतें जो हैं कॉन्फेडरेशन का जो पार्ट हैं अपने इंटरनल अफेयर्स को आज खुद मैनेज कर रही होती हैं। इसकी अरब एमिरेट्स भी मसाल है मौजूदा हालात में, USSR जो है वो भी इसकी मसाल थी, लेकिन ओल्ड USSR जो ब्रेक डाउन हो गया और उसकी मुख्तलिफ स्टेट्स ने बाद में इंडिपेंडेंट स्टेटस जो है वो हासिल कर लिया। तो उसमें इंटरनेशनली जो इंडिविजुअल स्टेट्स हैं उनकी हैसियत मौजूद रहती है,
वो अपनी अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है उसको बरकरार रखते हैं, लेकिन जो कंबाइंड उन्होंने तय किए होते हैं किसी ट्रीटी की सूरत में, किसी एग्रीमेंट की सूरत में मामलात, उनको वो मुश्तरका तौर पर चला रहे होते। यूनिटरी स्टेट जो है ये एक अकाई की सूरत में सारे मामलात को चला रही होती है। इससे ये कतन मराद नहीं है कि उसके आगे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हर तरह का मामला जो है वो सेंटर से किया जा रहा होता है। लोकल अरेंजमेंट होते हैं, डेलीगेशन नीचे तक पावर्स की गई होती हैं मामलात को चलाने के लिए, लेकिन फाइनल से जो है वो मरकज को, यूनिटरी जो पार्ट है उसी को हासिल रहता है। उसकी फर्दर डिवीजन जो है वो सॉवरेन पावर की वो नहीं हुई होती। तो ये यूनिटरी स्टेट, कॉन्फेडरेशन और फेडरल स्टेट या फेडरलिज्म का मकसद जिक्र इसलिए किया कि पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक है और फेडरल स्टेट है। इसके टेरिटरीज किन पर मुश्तमिल है ये भी आपको याद होगा। चार प्रोविंसेस हैं हमारे, कौन कौन से हैं ये भी आपको याद है, बलूचिस्तान है, सिंध है, पंजाब है और खैबर पख्तूनख्वा है। पहले इस्लामाबाद कैपिटल के अलावा फेडरल टेरिटरीज में फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरियाज शामिल थे, लेकिन अब वो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बना दिए गए हैं। अब फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरिया कोई अलग वफाक के ज़ेर निगी यूनिट नहीं है, बल्कि किसका पार्ट है, खैबर पख्तूनख्वा का। और अदर स्टेट्स जो पाकिस्तान के साथ जिनका इलहाक है, जैसे गिलगित बल्तिस्तान की स्टेट, और जो फर्दर भी अगर पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगी तो उनको एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट से हिस्सा बनाया जा सकता है। तो ये टेरिटरीज हैं पाकिस्तान के जिन पर ये मुश्तमिल है। सबसे बुनियादी चीज जो आपके सिलेबस के नुक्ता नजर से फेडरेशन के मुतल्लिक स्टडी करने वाली है और आपके सिलेबस का पार्ट है वो है प्रेसिडेंट। जाहिर है प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट है, रियासत का सरबराह है और सिंबल ऑफ यूनिटी है। कि इनका सिंबल ऑफ यूनिटी है, ये इकाइयां जो प्रोविंसेस हैं वो उनके इतिहाद की अलामत है। कौन शख्स प्रेसिडेंट बन सकता है और उसको प्रेसिडेंट मुंतखब करने का तरीका क्या है, इसका थोड़ा हम जिक्र करते हैं। तो प्रेसिडेंट बनने का अहल शख्स जो है उसके लिए आईन ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 41 में सर्टन क्वालिफिकेशन का जिक्र किया है, जिसमें नंबर वन कि वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हो, नंबर टू मुस्लिम हो, और नंबर थ्री नेशनल असेंबली का मेंबर मुंतखब होने की उसके अंदर क्वालिफिकेशन मौजूद हो। और क्वालिफिकेशन का जिक्र जो है वो आर्टिकल 62 में कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है, लेकिन क्वालिफिकेशन के साथ साथ आर्टिकल 63 में डिसक्वालिफिकेशन का भी जिक्र है। तो वही शख्स मेंबर मुंतखब होने का क्वालिफाइड या अहल होता है जिसके अंदर 62 में जिन क्वालिफिकेशन का जिक्र है वो भी मौजूद हों, और जिन डिसक्वालिफिकेशन का आर्टिकल 63 ने जिक्र किया है वो भी उसमें ना पाई जाती हों, तो फिर वो क्वालिफाइड होगा। अब सदर मुंतखब कौन करेगा, तो इलेक्टोरल कॉलेज हमारे आईन के तहत सदर को मुंतखब करता है। इलेक्टोरल कॉलेज किन पर मुश्तमिल है, ये हमारी नेशनल असेंबली, सेनेट और चारों प्रोविंशियल असेंबलीज जो हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल हैं। तो इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो अपने वोट से सदर को मुंतखब करता है। सदर का इलेक्शन जो है उसकी टर्म जो है, और टर्म कितनी है वो 5 ईयर है। 5 ईयर का शुमार कब से होगा, जब प्रेसिडेंट ओथ लेगा। तो उसका इंतखाब उस टर्म के एक्सपायर अगर हो गई है तो उससे 30 डेज ताखीर नहीं की जा सकती, और
टर्म एक्सपायर होने से पहले भी इलेक्शन करवाया जा सकता है, लेकिन 60 डेज से पहले नहीं रखा जा सकता। तो 60 डेज की मुद्दत के अंदर सदर जी का टर्म एक्सपायर होने से पहले भी इलेक्शन हो सकता है, लेकिन अगर असेंबली डिसॉल्व हो यानी इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल हो तो दोबारा इंतखाब के बाद विद इन 30 डेज इंतखाब जो है वो सदर का किया जाएगा। और अगर सदर की जो मुद्दत है वो मौजूद ही हो और सदर को इम्पीच कर लिया जाए या किसी और वजह से उसका ऑफिस जो है वो वैकेंट हो जाए, खाली हो जाए, वो रिजाइन कर दे या खुदा न खास्ता एक्सपायर हो जाए, तो ऐसे सूरत में वैकेंसी कॉन्स्टिट्यूट होती है, यानी ओहदा जो है वो खाली हो गया होता है। तो क्या सदर के ओहदे को खाली छोड़ा जा सकता है? सदर के ऑफिस को, हेड ऑफ द स्टेट को वैकेंट नहीं छोड़ा जा सकता। तो वैकेंसी की सूरत में भी कॉन्स्टिट्यूशन ने इसका बंदोबस्त किया हुआ है। आईन के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर सदर जो है उनका ऑफिस वैकेंट हो तो उनकी जगह सेनेट के चेयरमैन जो है वो सदर के फराइज सर अंजाम देंगे, और अगर वो भी मौजूद ना हो तो फिर स्पीकर साहब जो है, स्पीकर नेशनल असेंबली, वो बतौर सदर अपने फराइज सर अंजाम देंगे। इनको अलग से ओथ लेने की जरूरत नहीं होती। चेयरमैन ने एज ए चेयरमैन जो ओथ लिया हुआ है वो सफिशियंट है, क्योंकि आईन उसी के सपोर्ट बतौर सदर जो है वो काम करने की जिम्मेदारी डालता है। इसी तरह अगर सदर जो है वो मुल्क में मौजूद ना हो, गैर हाजिर हो, बाहर दौरे पे गए हुए हैं या बीमार हो गए हैं, तो ऐसी सूरत में भी सेनेट का चेयरमैन उनकी जगह बतौर सदर फराइज सर अंजाम देगा, और अगर वो भी मौजूद ना हो तो फिर स्पीकर साहब जो हैं वो ये फराइज सर अंजाम देंगे। इंतखाब जो सदर का है, इलेक्टोरल कॉलेज उसको मुंतखब करेगा, और इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन जो हैं वो उसके रिटर्निंग ऑफिसर के फराइज सर अंजाम देंगे। और इलेक्शन के दौरान प्रोविंशियल असेंबली, चूंकि उनकी तादाद मुख्तलिफ है एक दूसरे से मेंबरान की, तो उनकी कैलकुलेशन करने का तरीका ये आईन ने वाजा किया है ताकि पैरिटी, बराबरी लाई जा सके, क्योंकि बलूचिस्तान की प्रोविंशियल असेंबली सबसे छोटी है और पंजाब की सबसे बड़ी है, तो अब पंजाब से कोई ज्यादा वोट ले ले तो उसके बिलमुकाबिल बलूचिस्तान से वोट लेना तो कोई हैसियत नहीं रखता होगा, या वो लोग उसकी मुखालफत भी करें तो इससे वाज़े अक्सरियत मिल सकती है। तो आईन ने ये फार्मूला वजा किया है कि चारों प्रोविंशियल असेंबली जो हैं उनके दरमियान बराबरी लाई जा सके। उसका तरीका क्या है कि बलूचिस्तान के अलावा, चूंकि छोटी तरीन वही है, बकाया तीनों असेंबली से जिधर से भी, यानी पंजाब से किसी सदर के उम्मीदवार ने जितने वोट लिए हैं उनको आगे मल्टीप्लाई किया जाएगा, किससे, जो स्मॉलेस्ट असेंबली है, और स्मॉलेस्ट हमारे मुल्क में कौन सी है, वो है बलूचिस्तान की, उसकी तादाद से उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा और फिर डिवाइड कर दिया जाएगा, यानी हासिल करदा वोट पंजाब असेंबली से इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा स्मॉलेस्ट असेंबली यानी बलूचिस्तान की असेंबली की कुल तादाद से, और इसको डिवाइड किया जाएगा किससे, पंजाब की कुल तादाद से। तो आगे जो शरह निकलेगी, बैलेंस निकलेगा, वो समझा जाएगा कि पंजाब असेंबली से सदर ने वोट लिया। नेशनल असेंबली और सेनेट मुश्तरका तौर पर इलेक्शन के दिन वोटिंग होगी उनकी, और उस इजलास की सदारत जो है वो स्पीकर साहब करेंगे। दो ऐसे जॉइंट सिटिंग हैं जिनके इजलास जो है वो स्पीकर तलब करते हैं, अदरवाइज सेनेट के चेयरमैन अपने हाउस का इजलास तलब कर सकते हैं, वो भी 1/4 मेंबर जो है अगर रिक्वायजेशन उनके पास जमा करवाएं। इसी तरह स्पीकर साहब भी
अपनी नेशनल असेंबली का इजलास तलब कर सकते हैं अगर 1/4 मेंबरान जो है वो रेक्विजिशन दे। लेकिन इलेक्शन के दिन के लिए स्पीकर साहब जो भी मुकर्रा दिन है उस दिन जॉइंट सिटिंग उसकी कॉल करते हैं और उसको प्रिजाइड भी स्पीकर साहब करते हैं। इसी तरह अगर रिमूवल हो यानी प्रेसिडेंट को रिमूव करने की करारदाद हो या उसको इम्पीच करने की करारदाद हो, जिसका भी प्रोसीजर हम बाद में अगर वक्त बचा तो उसको डिस्कस करेंगे, प्रेसिडेंट को हटाने के तरीकेकार को, तो वो इजलास भी नेशनल असेंबली और सेनेट का, तो उसकी मुदत का मुदत उस वक्त शुरू होती है जब वो ओथ लेते हैं। तो प्रेसिडेंट ओथ लेंगे, किन के सामने प्रेसिडेंट ओथ लेते हैं अपने ओहदे का? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने ओथ लेते हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किन के सामने ओथ लेते हैं? वो प्रेसिडेंट के सामने। तो प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ओथ लेते हैं जब भी नए चीफ जस्टिस साहब की तकर्री होती है। इसी तरह जब सदर नया मुंतखब होता है तो उसके ऑफिस का ओथ जो है उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो कंडक्ट करते हैं। यहाँ से सदर की मुद्दत का शुमार होता है। सदर के ओहदे की शरायत ये है कि वो कोई मुनाफा बख्श ओहदा पाकिस्तान में सदारत के अलावा, सदर के अलावा अपने पास नहीं रखेगा जिसकी उसको तनख्वाह मिलती हो, और ना ही सदर होते हुए किसी असेंबली का वो इलेक्शन लड़ सकता है। हाँ, अगर वो किसी असेंबली का मेंबर था, सेनेट का मेंबर था, तो सदर के इंतखाब के लिए वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है। लेकिन जो ही वो सदर मुंतखब होगा उसकी असेंबली की सीट जो है वो वेकेंट हो जाएगी, वो खाली हो जाएगी उसके सदर बनते ही। ठीक हुआ? तो सदर ज्यादा से ज्यादा कंजेक्टिवली दो टर्म्स के लिए मुंतखब हो सकता है और इसके ऑफिस की टर्म ओहदे की जो है वो 5 ईयर है। किस दिन से? जिस दिन इंतखाब हुआ उस दिन से नहीं, जिस दिन उसने ओथ लिया उस दिन से उसकी मुद्दत का शुमार होता है। प्रेसिडेंट फेडरेशन का जाहिर है, उसकी यूनिटी का सिंबल है, हेड ऑफ द स्टेट है, तो उसके जुम्मे सर्टन फंक्शन भी हैं। आइन के तहत प्रेसिडेंट के हवाले से दो तरह के फंक्शन नजर आते हैं, एक डिस्क्रिशन के साथ यानी उसमें सदर किसी की एडवाइस का पाबंद नहीं है, और एक डिस्क्रिशन का लफ्ज इस्तेमाल किए बगैर प्रेसिडेंट की पावर और फंक्शन का जिक्र है। तो वहां पर जाहिर है नाम तो सदर से ही काम किया जाता है, लेकिन आर्टिकल 48 कहता है कि उन फंक्शन को सरंजाम देने के लिए सदर साहब जो हैं वो कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के पाबंद हैं, उनकी एडवाइस के मुताबिक फराइज सरंजाम देंगे। सारे ही जो सदर के फराइज हैं मासवाए उन फराइज के जिनके साथ डिस्क्रिशन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ होगा, सवाबदीद का इस्तेमाल हुआ होगा, वहां पर सदर जो है वो आज खुद अमल करेंगे। बकाया उनकी पावर जो है ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट और या प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से वो अपने फराइज सर अंजाम देंगे। फराइज को भी हम मुख्तलिफ हवालों से डिवाइड कर सकते हैं, यानी उसके एग्जैक्टिव फंक्शंस, जिसमें सबसे बड़ी बात कि वजीर आजम जब मुंतखब हो जाता है तो उसका ओथ लेना, ठीक है, वजीर आजम का ओथ लेना और वजीरों का ओथ लेना या वजीरों को हटाना, और प्राइम मिनिस्टर को भी कि अगर वो असेंबली में कॉन्फिडेंस लूज कर चुका है
तो जाहिर है उसको रिमूव किया जा सकता है अगर आज खुद वो रिजाइन नहीं करता। ये उसके पास पावर्स हैं, मुख्तलिफ तकर्रियां जो गवर्नमेंट की हैं वो सर अंजाम देता है, मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट जो फेडरेशन की बिहाफ पर किए जाते हैं उनको वो साइन करता है प्रेसिडेंट। फिर उसकी पावर को आप लेजिस्लेटिव पावर्स के तौर पर भी जांच सकते हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स में एक तो ऑर्डिनेंस जारी करना आर्टिकल 89 के तहत, अगर नेशनल असेंबली और सेनेट इन सेशन ना हो और लॉ की इमीडिएट जरूरत हो तो उसको ऑर्डिनेंस की सूरत में, हुक्मनामे की सूरत में सदर साहब जो है एज ए फरमान लॉ को जारी कर सकते हैं। और ऐसा लॉ ऑर्डिनेंस 120 डेज के लिए लॉ होगा और उसके बाद एक और टर्म के लिए असेंबली रेजोल्यूशन के जरिए उसकी मुद्दत को एक्सटेंड कर सकती है। और उसके बाद फिर या तो उसको एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट बना लिया जाएगा या फिर वो एक्सपायर हो जाएगा। इसके अलावा हाउस के ज्वाइंट सिटिंग को कॉल करना, इजलास को बुलाना जिसकी पावर में शामिल है, फिर हाउस से जो भी बिल पास होके जाते हैं वो असेंट के लिए प्रेसिडेंट के पास पहुंचते हैं और प्रेसिडेंट जब असेंट देता है तो उस वक्त वो एक्ट बनता है। फाइनेंशियल मैटर्स में भी उसकी सर्टन पावर्स हैं, फाइनेंशियल एमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की तकर्री जो है ये भी सदर साहब ही करते हैं, करेंसी और कॉइनेज के मुतल्लिक कोई भी एक्ट पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करवाना हो तो प्रेसिडेंट की प्रीवियस अप्रूवल के बगैर इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जा सकता। इसके अलावा जुडिशियल पावर्स, यानी तीन सेगमेंट में मैंने इसको डिवाइड किया, एग्जेक्टिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स और थर्ड जुडिशियल पावर्स। ऐसा तो प्रेसिडेंट कोई अदालती काम तो सर अंजाम नहीं देता, लेकिन जिसको मैं जुडिशियल फंक्शन कह रहा हूं जजेस की तकरीर के हवाले से है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो जाहिर है इनके सामने ओथ लेते हैं, सदर साहब के सामने ओथ लेते हैं और उनकी तकरीर भी उन्हीं के सिग्नेचर से होती है। लेकिन अब प्रोसीजर जो है वो बदल दिया गया है आर्टिकल 175A के तहत, जो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जज साहबान में से सीनियर मोस्ट होंगे वही जो है उसके अहल होंगे। पहले गवर्नमेंट जो थी वो अपना चॉइस इस्तेमाल कर लेती थी, अब ऑटोमेटिकली सीनियर जो है, लेकिन उसकी तकर्री का इंस्ट्रूमेंट जाहिर है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उन्हीं के सिग्नेचर से ऑर्डर होता है। और दीगर जज साहबान जो है उनको भी पहले चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन से प्रेसिडेंट लगाते थे, अब वो प्रोसीजर भी चेंज है 175A के तहत कि कमीशन की रिकमेंडेशन और पार्लियामेंट कमेटी की रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के जरिए जिस नाम को भी कंफर्म किया जाता है वो प्रेसिडेंट उस जज साहब को लगा देते हैं। ये जजेस की तकर्री के नुक्ते नज़र से जो उसको इख्तियार हासिल हैं उनकी बात है। इसके अलावा आर्टिकल 45 में सदर को पार्डन करने का इख्तियार दिया गया है, किसी भी शख्स को चाहे वो कन्विक्टेड हो किसी भी लिहाज से वो क्रिमिनल हो वो उनको माफ कर सकते हैं। फिर किसी भी तरह की सजा जो है उसमें वक्फा डाल सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, एक सजा को दूसरी में कम्यूट कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कैदी के हवाले से मुख्तलिफ कैदियों को जो सजा दाता है उनकी सालाना माफी के हवाले से भी सदर साहब से ब्रीफ सी समरी जो है मैंने बयान की। सदर को हटाए जाने का प्रोसीजर आईन के आर्टिकल 47 में बयान हुआ है कि सदर को रिमूव किया जा सकता है या सदर को इंपीच किया जा सकता है।
रिमूव ऑल ग्राउंड्स पर किया जाता है और इम्पीच ऑल ग्राउंड पर, यानी रिमूव करने की जरूरत हो सकती है अगर सदर के अंदर उसकी अहलियत के अंदर फिजिकल या मेंटल इनकैपेसिटी आ गई है, फॉलोज हो गया है, या किसी और वजह से अपने फराइज सर अंजाम देने की सलाहियत खो चुका है, तो हमारे दोनों पार्लियामेंट के हाउसेस यानी सेनेट और नेशनल असेंबली दोनों में से किसी में भी ये करारदाद रिमूव करने की शुरू हो सकती है, आइदर हाउस में शुरू हो सकती है। कितने लोगों की कहने पर ये करारदाद शुरू हो सकती है, 1/2 मेंबर जो हैं सदर के रिमूवल के लिए करारदाद अगर नेशनल असेंबली के हैं तो वो स्पीकर को पेश कर सकते हैं, और अगर सेनेट के हैं तो वो सेनेट के चेयरमैन को देंगे, लेकिन सेनेट का चेयरमैन जो है उसको फौरी तौर पर किसको ट्रांसमिट कर देगा, स्पीकर साहब को भेज देगा। स्पीकर साहब के पास नेशनल असेंबली से आज को तो उसके मेंबरान ने करारदाद जमा करवाई हो या ये सेनेट के चेयरमैन की तरफ से उनको ट्रांसमिट की गई, उसको आगाह करेंगे सदर को विदिन 3 डेज उसके मुतल्लिक। और फिर मैं इसके साथ साथ दूसरे जो ग्राउंड है उसको भी ले लूं ताकि ये सारा प्रोसीजर कठाई में मुकम्मल कर लूं। एक तो मैंने कहा था कि रिमूवल हो सकती है फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी की बुनियाद पर, प्रेसिडेंट को इम्पीच भी किया जा सकता है, उसका मुआवजा भी किया जा सकता है, उसके लिए एलिगेशन हो सकता है जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल जो मशीनरी प्रोवाइडेड है या कॉन्स्टिट्यूशनल जो इख्तियारात हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने का प्रेसिडेंट पर एलिगेशन हो सकता है और मिसकंडक्ट का भी हो सकता है। आईन की वायलेशन या मिसकंडक्ट का एलिगेशन हो तो फिर प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है। तो इम्पीच करने का भी प्रोसीजर जो है वो वही है कि नेशनल असेंबली के मेंबरान यानी 1/2 उस स्पीकर को करारदाद जमा करवाएंगे, या अगर सेनेट के मेंबरान ने ये शुरू किया तहरीक तो 1/2 सेनेट के चेयरमैन को ये करारदाद देंगे, वो उसको ट्रांसमिट कर देंगे स्पीकर। स्पीकर विदिन 3 डेज ये दोनों, चाहे रिमूवल की करारदाद हो या इम्पीच करने की करारदाद, वट एवर द केस में भी, दोनों ही सूरतों में वो क्या करेंगे, वो उसको प्रेसिडेंट को विदिन 3 डेज उसके मुतल्लिक इंटीमेट करेंगे। प्रेसिडेंट को हक हासिल होगा कि वो अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है या अपने ऊपर आने वाले एलिगेशन इल्जाम या इनकैपेसिटी की जो बात है उसकी खुद वजाहत कर ले, या किसी नुमाइंदे के जरिए हाउस में अपनी अपेरेंस करके अपने ऊपर लगाए गए इल्जाम का जवाब दे सकता है। अब हाउस के पास भी ये इख्तियार है, और हाउस का इजलास कितने दिन बाद बुलाया जाएगा, यानी 7 दिन से पहले नहीं बुलाया जाएगा और 14 दिन से ऊपर उसमें ताखीर नहीं की जाएगी। तो आप यूं कह लें कि 7 डे से लेके 14 डेज के अंदर अंदर इजलास बुलाया जाएगा, जिसके मुतल्लक करारदाद आते ही 3 दिन के अंदर अंदर सदर साहब को पहले ही आगाह कर दिया जाएगा कि आपके ऊपर ये चार्ज है, यानी अगर उनको इम्पीच किया जा रहा है तो चार्ज होगा, अगर रिमूव किया जा रहा है तो जाहिर है उनके अंदर कोई इनकैपेसिटी की बात होगी तो उसके हवाले से भी आगाह किया जाएगा। और हाउस को इख्तियार होगा, ये जॉइंट सेशन कॉल होगा, उसको प्रिजाइड कौन करेगा, मैं जैसे पहले ही उसका जिक्र कर चुका था कि इस जॉइंट सिटिंग को कॉल कौन करेंगे, वो स्पीकर साहब करेंगे, और प्रिजाइड कौन करेंगे, स्पीकर साहब करेंगे। तो उसमें जो भी चार्ज है या जो भी करारदाद में सदर के हवाले से इनकैपेसिटी का जिक्र आया है या ग्रॉस मिसकंडक्ट का जिक्र आया है या कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन का एलिगेशन है, उसको हाउस इन्वेस्टिगेट करवा सकता है या खुद इन्वेस्टिगेट कर सकता है। तो इन्वेस्टिगेट करवाया गया हो या खुद इन्वेस्टिगेट किया गया हो, उसके बाद हाउस के अंदर बहस मुबाहसे के बाद अगर करारदाद मंजूर हो जाए, कौन सी करारदाद मंजूर हो जाए, सदर को रिमूव करने की, या अगर उसको इम्पीच किया जा रहा था तो इम्पीच करने की करारदाद मंजूर हो जाए और मंजूर
कितनी तादाद करें, यानी उसको आप 2/3 के नुक्ते नजर से अगर आइन में उसका अगर आप पढ़ें आप, तो उसका जिक्र है आर्टिकल 47 में कि हाउस जो है जॉइंट सिटिंग 2/3 मेजॉरिटी से अगर करारदाद मंजूर कर ले तो प्रेसिडेंट का ओहदा फिल फॉर खाली हो जाएगा, यानी प्रेसिडेंट जो है दैट विल नॉट बी प्रेसिडेंट एनीमोर आफ्टर द रेजोल्यूशन, जब करारदाद पास हो जाएगी तो वो सदर नहीं रहेगा। तो सदर नहीं रहेगा तो फिर उसका फराइज कौन सा अंजाम देगा, वो मैं आपके सामने उसका पहले ही जिक्र कर चुका कि उसकी जगह फिर फराइज सर अंजाम देंगे सेनेट के चेयरमैन, और अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो उनकी जगह ये फराइज सर अंजाम देंगे कौन, स्पीकर साहब। ये मुख्तसर खाका था फेडरेशन के हवाले से। फिर इख्तियारात वफाक के दरमियान और सूबों के दरमियान भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, जाहिर है फेडरेशन है फेडरल स्टेट है तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन भी मौजूद है वर्क की और लेजिस्लेटिव डिवीजन भी मौजूद है, यानी सूबों ने कौन से काम सर अंजाम देने हैं, सूबे की गवर्नमेंट और मरकज की गवर्नमेंट के जुम्मे कौन से काम हैं, और प्रोविंशियल असेंबलीज या हमारी पार्लियामेंट जो है मजलिस शुरा उसके सुपुर्द आईन ने कौन कौन से काम किए हैं, ये तकसीम भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद है। सबसे पहली बात तो ये है कि लेजिस्लेशन मरकज किन किन मामलात में कर सकता है वो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में उसका जिक्र किया गया है। तो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में जिन सब्जेक्ट मैटर का जिक्र किया गया है उन पर कानून साजी का इख्तियार जो है वो वफाक को हासिल है, यानी मजलिस शुरा को हासिल है पार्लियामेंट। इसके अलावा जिनका जिक्र नहीं था उनके हवाले से पहले हमारे आईन के अंदर दो तरह की कानून साजी की फरिश्ते मौजूद थी, लिस्ट मौजूद थी, एक फेडरल थी एक कंकरेंट थी। अब 18th अमेंडमेंट से कंकरेंट जो लिस्ट है लेजिस्लेशन की, कंकरेंट से मराद ये कि ऐसे सब्जेक्ट मैटर का उसमें जिक्र था, ऐसे मौजूदात थे जैसे एरिया से जिन पर वफाक भी कानून साजी कर सकता था और सूबा भी कानून साजी कर सकता था, लेकिन 18th अमेंडमेंट से उसको हटा दिया गया है, अबॉलिश कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, रिपील कर दिया गया है। अब सिर्फ फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है, कंकरेंट सब्जेक्ट मैटर मौजूद जरूर है, वो आईन के अंदर ही उसका जिक्र है, यानी अगर क्रिमिनल लॉ का मैटर है, क्रिमिनल प्रोसीजर का मैटर है, या एविडेंस लॉ ऑफ एविडेंस से रिलेटेड कोई मैटर है, तो इन तीन सब्जेक्ट पर कंकरेंट ज्यूरिस्डिक्शन है, यानी वफाक को भी और सूबों को भी लेजिस्लेशन कर सकते हैं बकाया तमाम एरियाज में। अब सारी रेजिड्यूरी पावर्स, सारे बाकी मानदा इख्तियार जो हैं वो प्रोविंसेस को दे दिए गए हैं, सूबों को दे दिए गए हैं, यानी सूबों की ऑटोनॉमी जो है लेजिस्लेटिव उसको इन्हांस कर दिया गया है। इससे प्रॉब्लम जरूर है बाज एरियाज में, उनका फिर इसी दिन अलग लेक्चर में हम जिक्र करेंगे। आपने 18th अमेंडमेंट के हवाले से मरकज और सूबों के दरमियान बाज़ पॉलिटिकल लीडरशिप बयान भी हल्के फुल्के उस पर आ जाते हैं, तो उसके अंदर कुछ इश्यूज हैं मौजूद हैं जो स्मूथ फंक्शनिंग में थोड़ी रुकावट डालते हैं। तो जिस तरह किसी भी लीगल अमेंडमेंट को, इंस्ट्रूमेंट को दोबारा रीचेक किया जा सकता है, इस तरह 18th अमेंडमेंट के भी बाज एरियाज जहां जहां मुनासिब समझेगी पार्लियामेंट उनको रिविजिट किया जा सकता है, या ना किया जाए तो फिर मौजूदा सूरत हाल में यही है कि वफाक के पास जो फेडरल लेजिस्लेटर लिस्ट है उन्हीं के मुतल्लिक कानून साजी का इख्तियार मौजूद है, या जिसका मैंने जिक्र किया कि भाई अगर क्रिमिनल प्रोसीजर के मुतल्लिक बात है या क्रिमिनल लॉ के मुतल्लिक बात है या लॉ ऑफ एविडेंस के मुतल्लिक बात है, तो इन तीन एरिया में वफाक भी कानून साजी कर सकता है और प्रोविंशियल असेंबलीज भी कानून साजी कर सकते हैं। तो जिधर जिधर कानून साजी का इख्तियार होगा, जाहिर है एग्जेक्टिव अथॉरिटी जो है रूल ऑफ लॉ है, कानून के मुताबिक ही इख्तियार में इस्तेमाल होना है, तो
तो जिधर पार्लियामेंट कानून साजी कर सकेगी उधर ही वफाकी हुकूमत जो है वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकेगी। इसी तरह प्रोविंशियल असेंबली भी जिधर जिधर सूबाई असेंबली कानून साजी कर सकती है उन्हीं एरिया में ये जो है हमारी प्रोविंशियल असेंबली जो है जिन एरियाज में कानून बनाएगी उन्हीं एरिया में एग्जेक्टिव अथॉरिटी जो है वो इस्तेमाल की जाए। तो इन नटशेल हमने आज चैप्टर 14 की बात की। आपने पूरे चैप्टर 14 को स्टडी करना है और स्टडी करने के बाद इसके अंदर जहां पर आपको कोई अभाम हो या क्लैरिटी ना हो तो आपने व्हाट्सएप मैसेज के जरिए मुझे अपना क्वेश्चन जो है उसको सेंड करना है। मैं उसको नेक्स्ट जब लेक्चर आपके सामने दूंगा तो उस चीज को हम पहले टेकअप कर लेंगे, उसकी पहले बात करेंगे और बकाया फर्दर जो है चैप्टर नंबर 15 जो है उसको हम स्टडी करेंगे, वो भी पार्लियामेंट का मुफसल। इसीलिए आज मैंने थोड़ा मुख्तसर नेशनल असेंबली और इसकी लेजिस्लेशन और प्रोविंशियल असेंबली की बात की, क्योंकि आगे लेक्चर में इनका लेजिस्लेटिव पूरा प्रोसीजर जो है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि भाई किस तरह बिल शुरू होता है, इनिशिएट कैसे होता है और आगे कैसे ट्रांसमिट होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इससे इस्तेफादा किया होगा। जो लोग आप में से अभी इस लेक्चर को ऑनलाइन नहीं सुन रहे, आपका म्यूचुअल स्टूडेंट्स का रब्ता होता है उनको भी कम्युनिकेट करें, वो भी इस प्रोसेस को ज्वाइन करें। मैं आपके लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला मौजूदा वबाई मर्ज से आपको महफूज रखे, आपको सेहत दे, आप अपने इर्द गिर्द का माहौल का ख्याल रखें, SOPs के मुताबिक अपनी मूवमेंट्स को करें और अपने क्लासरूम में घर में एक क्लासरूम टाइप एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिधर लेक्चर आप सुने वहाँ पर आप तनहा मौजूद हों, बाहर से आउटसाइड इंटरफेरेंस ना हो और सिर्फ लेक्चर ही नहीं सुने उसके बाद थॉरो स्टडी करें ताकि आपके अंदर ऑनलाइन MCQs की सूरत में जो आपका पेपर होगा उसको देने की, उसको अटेम्प्ट करने की कैपेसिटी जो है मौजूद हो। अगर आपने एक्सटेंसिवली पढ़ा होगा तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप किसी भी तरह का MCQs का पेपर जो है वो बेटर तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं। ये सैम्पल पेपर जो है यूनिवर्सिटी डीसी साहब ने फरमाया था कि वेबसाइट पर यूनिवर्सिटी के आएंगे, उनको जब डिज़ाइन कर लिया जाएगा तो यूँ ही हमारे पास पहुँचेंगे, हम आपके साथ वो शेयर करेंगे ताकि आप सैंपल पेपर जो है उनको भी देख सकें। फिर हम कोशिश भी करेंगे कि ऑनलाइन जो है आपके उस तरह के एग्जामिनेशन, जिस तरह ज़ाहिर है आपका एंड टर्म जो था वो इम्तहान होने वाला था, हम फेयरवेल की तरफ जा रहे थे तो उसके बाद एंड टर्म जो था वो इम्तहान होना था तो सेशन को हमने कंक्लूड करना था, तो उससे पहले ही ये वबाई मर्ज ने इंटरप्शन की और अदारे जो थे वो बंद कर दिए गए। तो अब ऑनलाइन हम आपके साथ जो है वो मुखातिब हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, इशू हो स्टडी के हवाले से तो आप तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम टीचर्स के व्हाट्सएप नंबर आपके पास अवेलेबल हैं, उनको कनेक्ट करें, उनको क्वेश्चन भेजें। ये लेक्चर अगरचे लाइव है लेकिन हम लाइव आपके क्वेश्चन इसलिए नहीं लेते कि फिर इससे शोर मच जाता है और स्टूडेंट्स को किसी चीज़ की समझ नहीं आती। अदरवाइज़ आपके माइक भी हम अगर ऑन कर दें तो सवाल डायरेक्ट भी लिए जा सकते हैं लेकिन उसमें कोई डिसिप्लिन फॉलो होते हुए मैंने नहीं देखा प्रीवियस क्लासेस में, तो इसलिए उनको हम म्यूट ही रखेंगे, आप भी उनको बंद ही रखें और लेक्चर जो है वो सुन लें। उसमें आपको जो प्रॉब्लम आए स्टडी करें वो टीचर से बाद में व्हाट्सएप के जरिए शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।